And hey friends, welcome एंड to फ्रेंड्स वेलकम बैक टू who चैनल एंड welcome टू my चैनल तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग जुम्मा मुबारक सबको और आज के दिन मैं घर पर हूँ क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई करनी है काम है बहुत सारे तो मैंने सोचा कि आज मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर भी करनी है विंटर है ना हमारे पास तो आ, पुराने कपड़े जो है वो मैंने निकाले तो वो कपड़े मैंने बहुत साल पहने हुए हैं तो अभी कुछ कुछ पाजामाज या कुछ शूज़ वगैरह विंटर शूज़ पता नहीं क्या जैकेट्स बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑनलाइन देखनी है क्योंकि जा जाके तो अभी नहीं खरीद सकते हालात ठीक नहीं है तो सब कुछ मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन ही खरीद लूँ वैसे ऑनलाइन शॉपिंग मुझे बहुत कम्फर्टेबल लगती है लेकिन साइज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है तो आज मेरा एक शूज़ भी आने वाला है जो कि देखते हैं अभी साइज़ एग्जैक्ट परफेक्ट है कि नहीं है तो फिलहाल मैं एक ही शूज़ है जो बूट्स से मेरे वो बूट्स ही चला रही हूँ कुछ दिनों से लेकिन मुझे ठंड लग रही है बूट से और दो दो सॉक्स पहनने की वजह से ना बहुत टाइट हो जाता है बूट तो इसलिए मैंने एक शूज़ ऑर्डर किया है तो मैं अभी क्या करूंगी नींद से उठी हूँ नाश्ता करूंगी फिर नहा के नमाज़ पढ़ के फिर आराम से आप लोगों से बातें करती हूँ तो आज का दिन बस यहीं से शुरू करते हैं आगे देखते हैं क्या क्या होता रहता है तो ये है मेरा नाश्ता बॉइल्ड एग और एक रोटी और उसके साथ कॉफ़ी जो कि ना मस्ट है कानों की खानों कहते हैं कुरियन में ये है कौन सी लाते बिना चीनी वाली और अभी मैं ढूंढ रही हूँ मेरा फेवरेट चम्मच मिलने रा जो सिर्फ मैं कॉफीज़ के लिए यूज़ करती हूँ और अभी ना चलो कॉफ़ी रेडी हो गई और ये मेरा पहला बाइट मैं नॉर्मली बॉयल्ड एग खाती नहीं हूँ आज जल्दी जल्दी में बस बना लिया और बुरा नहीं था असल में गरम गरम था ना अंडा तो बहुत मज़ा आ रहा था और मैं खड़े खड़े ही बस खा लिया क्योंकि नींद से उठ के बहुत ही भूख लग रही थी क्योंकि तो उसके बाद मैं नहाने चली गई और अभी ना वापस आई तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ नहाने के बाद अपने स्किन केयर करती हूँ क्योंकि नहाने के बाद स्किन जो है ना फेस की वो बहुत ड्राई हो जाती है तो ये बूस्टिंग एसेंस है कभी मैं टोनर भी लगाती थी टोनर ख़त्म हो गया और मेरे मुँह पे इतना बड़ा दाना निकला है दाढ़ी पर खैर अभी फिर मैंने क्या किया कि जब तक मेरा एसेंस थोड़ा स्किन एब्जॉर्ब कर लेना तब तक मैं लिप बाम लगा लूँ क्योंकि लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाते हैं रात को भी लगाती हूँ और सुबह को भी और ये एक वाइटामस की कुछ है क्रीम जो कि मैं लगाती हूँ मेकअप से पहले भी नहाने के बाद भी तो ये स्पेशली फेस क्रीम ही है और मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स वैसे लगाती नहीं हूँ कभी कभार लगाती हूँ लेकिन नॉर्मली एक या दो क्रीम लेकिन एसेंस या टोनर मस्ट है और उसके अलावा कोई स्किन मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी मस्ट है और ये दाने के लिए जो है ये स्टिकर मिलता है कोरिया में इतना अच्छा होता है ना इससे पूरा दाना चला जाता है मतलब आज लगाया कल परसों तक लगा ही रहेगा जब तक ये स्टिकर खुद ना उतर जाए तो दाना पूरा ही खुद ही चला जाता है निशान भी चला जाता है और ये देखो गुम भी हो गया और अभी बालों की बारी है और बाल जो है ना वो मैं क्या करती हूँ हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती ताकि बाल ज़्यादा ख़राब ना हो जाए नेचुरल ड्राई करती हूँ लेकिन उससे पहले ये एक सेरम एसेंस है परफेक्ट ये इतना बेस्ट है मुझे पहले ज़्यादा पता नहीं होता था कि क्या यूज़ करूँ बालों के लिए लेकिन जब से मैंने ये देखा ये मतलब ड्राई जो हेयर्स होते हैं ना फ्रिजी बाल बॉम वाले बाल फटे हुए बाल उनके लिए ये बहुत अच्छा है नहाने के बाद जस्ट हाथों से ये लगा लो और हेयर ड्रायर भले इसके ऊपर यूज़ कर लो ये हीटिंग प्रोटेक्ट भी प्रोटेक्ट करता है क्या कहते हैं बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है और उसके अलावा यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, किया कि अपना घर साफ़ कर लिया जुम्मे का दिन है मैं घर पर ही बैठी हुई, हुई हूँ तो इसलिए पहले मैं झाड़ू यूज़ करती थी लेकिन बहुत टाइम पहले बहुत साल पहले मैंने वैक्यूम क्लीनर खरीद के बहुत अच्छा सा डिसीजन लिया था और अभी बहुत आसानी से काम होता है और अभी चलो दिन का खाना खा लेते हैं राइस राइस कुकर में बन गए थे और ये जो सब्ज़ी है ना ये मैंने कल रात को बनाई थी तो मैं एक ही हूँ तो इसको दो या तीन टाइम खा लेती हूँ कल रात को खाई थी अभी खा रही हूँ और फिर आज रात को भी खा लूँगी ये है पमकिन की सब्ज़ी पाकिस्तान में हम पमकिन इतना खाते नहीं है लेकिन जब से मैं कोरिया आई हूँ कोरिया में ज़्यादा वराइटीज़ ही नहीं है सब्जियों की तो इसलिए मैंने ये पमकिन सब्ज़ी बनाना सीख ली इंटरनेट से और बस इसको दो मिनट तक गर्म करेंगे और इस पमकिन सब्ज़ी में मैंने ड्राई फिश भी डाली थी और बहुत टेस्टी हुआ और ये है अचार इमली का अचार ग्रीन जो इमली का अचार नहीं क्या है यार <laughs> खट्टे खट्टे में मुझे इमली याद आ गया ये है उसका ग्रीन मैंगो का अचार और मुझे ना हाथ से खाना बहुत ही पसंद है बहुत अच्छा लगता है हाथ से खाना क्योंकि बहुत आदत ही है बचपन से ही हाथ से खाने की तो ये अचार के साथ सब्जी का मज़ा आया बहुत सारा और उसके साथ साथ ही मैं एक मूवी देख रही थी क्रूड नाम तक और अभी है नमाज का टाइम ये मैंने अपने नमाज के जो सामान है दुपट्टा और मसला ये मैंने रखा है पर्दे के पीछे क्योंकि घर छोटा है तो सेट करके रखने पड़ते हैं सामान अभी चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं और नमाज पढ़ के बहुत ही सुकून मिलता है लेकिन कभी कभार टाइम ही नहीं होता तो दुख होता है सुस्ती हो जाती है कभी कभी और ये खानों की कॉफ़ी है अमेरिकानो ब्लैक जो कि अभी कुछ मतलब शा शाम का टाइम हो रहा है तो इसलिए मैं ना अभी ये पी रही हूँ और उसके बाद मुझे शॉपिंग भी करनी है आज तो अभी मैं पूरा रिलैक्स होकर सुबह से उठी हूँ ना तो पूरा रिलैक्स होकर आराम से खा पी के कॉफ़ी शॉफ़ी पी के फिर आके सुकून से करूँगी शॉपिंग क्योंकि शॉपिंग ऑनलाइन के लिए ना पूरा कंसंट्रेट करके करना पड़ता है साइज़ वग़ैरह देखनी पड़ती है और फिर क्या कहते हैं मटेरियल पता नहीं क्या क्या बहुत सी चीज़ें रिव्यूज़ देखने पड़ते हैं फिर जाके शॉपिंग होती है तो चलो फाइनली भाई उठा लो मोबाइल और स्टार्ट हो जाओ सबसे पहले मैं जी मार्केट में घुसूँगी मैं जी मार्केट और कुपांग यूज़ करती हूँ बहुत बो दोनों में बहुत ही अच्छे मतलब अपने अपने हिसाब से दोनों एप्लीकेशन बहुत अच्छी है कोपांग पूरी ही वो है कोरियन और जी मार्केट इंग्लिश में होती है कोरियन में भी होती है और ये मेरा है शूज़ जो कि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था दो दिन पहले लेकिन वो आज आने वाला है तो मैंने सोचा पहले ही आपको दिखा देती हूँ जब तक वो आए मैं खुद ही वेट कर रही हूँ आई एम सो एक्साइटेड मुझे उसकी डिज़ाइन बहुत पसंद है शूज़ की और ये शूज़ मैंने आज ही ऑर्डर करने वाली हूँ तो ये सबसे पहला मेरा शूज़ है विंटर के लिए जो कि मैं ब्लैक कलर में ऑर्डर कर रही हूँ और इसके अंदर ये फोम पफ़ी पफी, पफी फायर टाइप पता नहीं क्या कुछ कहते हैं विंटर का होता है ना गरम गरम वो शूज़ है और उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने जो ऑर्डर की वो है ये जैकेट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है लेकिन आई लव ब्लैक और ब्लैक कलर मतलब ख़राब भी नहीं होता लंबे टाइम तक चल जाता है ना तो इसलिए मैंने ब्लैक लिया और मुझे ब्लैक ख़ुद पसंद है बहुत तो ये वाली जो जैकेट है वो मैंने एक ऑर्डर की नरम नरम सी जैकेट दिख रही थी और उसके बाद ये मैंने एक ऑर्डर किया है पेडिंग जो कि स्लीवलेस है बहुत ही पतली सी होती है ये लेकिन ये बहुत गर्म होती है मैंने कभी भी ऐसे स्टाइल की पेडिंग यूज़ नहीं की लेकिन अगर मैं अपनी जैकेट के अंदर ये पहनूँ स्लीवलेस तो फिर इसमें क्या होगा कि मेरी बॉडी गर्म रहेगी और बुखार बुखार ठंड नहीं लगेगी उसके बाद मैंने ये देखो ना इधर ट्राउज़र में आग ही जल रही है इस फोटो में तो ये ट्राउज़र मतलब इतना गर्म होगा अगर आप पहनोगे और ये ना लड़का लड़की दोनों के लिए था लेकिन मैंने साइज़ वगैरह देख के लड़की वाला चूज़ करके लिया उसके अलावा ये एक दूसरा ट्राउज़र लिया जो कि ना मैंने बहुत पहना था जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी उस टाइम और ये बहुत ही कम्फर्टेबल होता है तो ये वाला मेरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया शायद मैंने फेंक दिया था शायद ख़राब हो गया था तो इसलिए मैंने ये आज फिर से ऑर्डर कर दिया इसके स्कर्ट के नीचे

तो ये सारी शॉपिंग जो है ना विंटर की है क्योंकि हमारे पास माइनस फिफ्टीन माइनस फोरटीन आता है और साउथ कोरिया में क्योंकि मैं इतने साल रही हूँ तो माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव तक भी चला जाता है माइनस में तो इतनी ठंड होती है यहाँ पे तो इसलिए ना मुझे मैं हर बार ही पेडिंग पहनती हूँ लॉन्ग पेडिंग लेकिन इस बार मेरा पेडिंग पहनने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पार्ट टाइम के लिए सुबह जाना पड़ता है साढ़े छः बजे सात बजे तो उस टाइम क्या होता है ट्रेन में बहुत रश होती है और हर कोई एक चिपक के खड़ा होता है तो पेडिंग से ना बहुत घुटन होती है ट्रेन के अंदर हीटर चल रहे होते हैं तो इसलिए ना फिर मैं कुछ हल्का पहन के जाना चाहती हूँ ऐसा पहनना चाहती हूँ लाइट सा भी हो और ऊपर से ना क्या कहते हैं इतनी भी गर्मी ना लगे लेकिन जब मैं बाहर जाऊं ट्रेन तक तब मैं गर्म गर्म ही हूं तो इसलिए मैंने कुछ स्लीवलेस चीजें ऑर्डर की कुछ गर्म गर्म चीज़ें ऑर्डर की हैं ट्राउजर्स वगैरह गर्म शूज लेकिन उससे पहले मैंने एक नाइक का शूज ऑर्डर किया था जो कि अभी सुबह जब अभी तो माइनस फ़िफ्टीन होता है आजकल जब जाती हूँ तो वो शूज़ इस ठंड में काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं लेकिन मैं दो सॉक्स पहन के जाऊंगी और ये शूज़ पहन के जाऊंगी फिर चेक करूंगी लेकिन मैंने ऑलरेडी बाकी वाले शूज़ भी ऑर्डर कर दिए हैं अगर खुदा खास्ता ये अगर काम ना करे तो ये फिर हम समर के टाइम चला लेंगे तो नाइक का शूज़ मैंने कल नहीं उससे पहले दिन पता नहीं कब ऑर्डर किया था लेकिन अभी ऑर्डर किया था तो आ गया आज तो चलो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं ये है उसका डब्बा एंड आई एम सो एक्साइटेड ये क्योंकि नाइक का शूज़ है तो बहुत ही लाइट होता है ना और मैं मैंने नाइक के शूज़ और क्या कहते हैं और भी कुछ आधी दास ब्रांड और कौन सा था न्यू बैलेंस के ट्राई किए शूज़ लेकिन मुझे पर्सनली नाइक का बहुत पसंद है क्योंकि पता नहीं क्यों बस मुझे बहुत अच्छा लगता है नाइक शूज़ बहुत ही कंफर्टेबल होता है मेरे लिए परफेक्ट होता है लेकिन इसमें साइज जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग में हमेशा ऐसा होता है ज्यादातर के साइज में प्रॉब्लम पड़ जाती है तो इसलिए अभी मुझे बहुत ही टेंशन है लेकिन मेरी साइज 250 है तो अभी इसमें हम देखते हैं कि 250 आया है कि नहीं डब्बा ऐसे ही मैंने खोल दिया गिरा के वाह ही बड़ा नहीं लग रहा लेकिन 250 साइज होगी मी सी साइज तो इधर लिखी होती है ना इसकी साइज है टू फिफ्टी हम्म और ये रहा न्यू शूज मुझे ये वाली प्रिंट बहुत पसंद आई नॉर्मली ज्यादातर लोग ना प्लेन पहनते हैं लेकिन ये स्नेक स्टाइल जो प्रिंट है मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके अलावा मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे वाइट जो टिक है ना वो ऐसे कनेक्ट हो रहा है पीछे से और ये सिल्वर हो गया तो ये मुझे मतलब मुझे कुछ ऐसी डिज़ाइन चाहिए थी जो कि थोड़ी यूनिक हो और थोड़ी आ, आर्टिस्टिक खूबसूरत हो तो यहाँ पे इसका इसका नाइक इधर से भी लिखा हुआ है पहले जब मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो मैं दुकान में जा लिया था और वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिले थे मुझे अच्छे तो ऑनलाइन में अच्छा सा मिल गया और यहाँ पर डिफरेंट टेक्स्चर है और पीछे से ऐसे है क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ स्नो वगैरह होती है ना तो आ, उस स्नो में फिर स्लिप होने का बहुत चांस होता है तो ऐसा वाला शूज जो है ना ग्रिप लेता है अच्छे से कि आप गिर नहीं पाओगे सो लेट मी ट्राई ट्राई करते हैं कैसा है पूरा है कि नहीं पूरा ही होना चाहिए अभी क्या साइज ऊपर नीचे होगी ये ब्रांडेड शूज है तो इसका साइज शायद मुझे एक्जैक्टली पूरा ही होगा लेकिन अगर नॉन ब्रांडेड शूज या कुछ ऐसे शूज होते हैं जो डिजाइन के लिए खरीदते हैं ना अच्छे से तो उन शूज में क्या होता है कि साइज ऊपर नीचे हो जाती है लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ठीक ही होगी लेट मी ट्राई हाँ यार ठीक है अच्छा है आई लव इट ये शूज ऐसे कैसे दिखाऊं मैं आपको बेगके से दिखाती हूँ परफेक्ट बहुत अच्छा है तो so, ये देखो इधर से ना पूरा इधर से थोड़ा थोड़ा स्पेस भी खाली है तो अगर मैं दो दो सॉक्स भी पहनूँ ना तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा शायद तो सही है अगर टू -फो, टू फोर्टी फाइव लेती तो कम पड़ जाता लेकिन ये वाला साइज अच्छा है नाइस शूज अभी ना मैं इसको दुकान पे जब हम जाते हैं तो हम दो शूज़ पहन के ट्राई करते हैं ना तो मैं इसको भी दो बार क्या कहते हैं दोनों पेयर पहन के ही थोड़ा वॉक करके देखूं। ओके ये निकालो अंदर से इसका पेपर बाहर इतनी ठंड है आज भी स्नो हुई थी शायद मैंने इंस्टाग्राम में दूसरों के फोटोज देखे लेकिन मैं मे आज ना बाहर जा नहीं पाई कि स्नो को कैप्चर करूं। ओह अब इसको काटना पड़ेगा उससे नाइफ से मुझे ये वाला बनाना भी नहीं आता सही से इसको काट दें ओके अभी देखें हाँ यार अच्छा है बहुत ही हल्का सा और आगे से ठीक ही है छोटे इतना भी बड़ा नहीं है ठीक है कंफर्टेबल है बहुत डिजाइन अच्छी है घर के पजामाज के साथ पहन रही हूँ लेकिन हाँ पीछे से ऐसे है डिजाइन इसकी और, I love it. अच्छा निकला चलो अभी उम्मीद करते हैं बाकी जो मैंने ऑनलाइन सामान ऑर्डर किए है ना अल्लाह करे सारे अच्छे आए पता चले कौन सी साइज छोटी हो जाए किसी जैकेट की साइज बड़ी हो जाए चलो इसको हम कल से ही पहनना शुरू करेंगे तो जी फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो और अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो आज के ऑर्डर्स किए हैं उनके साथ या फिर वो अगर ऑर्डर्स और भी डिले होके आएंगे तो फिर हम किसी और कॉन्टेंट के साथ तो मेरे साथ रहिएगा एंड खुदा हाफिज़ बाय बाय